पूजन आराधना जो भी कर रहे हैं, कथा के अनुसार कथा कर रहे हैं, तो उनके पास गया नहीं, उन्होंने प्रसाद दिया, बोले राजन प्रसाद ग्रहण करो, गया नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं गया? क्या वो तुझे वोट नहीं देते? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या तू इतना बड़ा राजा हो गया है जो छोटे लोगों को नहीं देखेगा? अरे तेरी अगली बार सरकार नहीं आएगी। राजा प्रजा का पिता है, चाहे कोई उसे वोट देता हो या वोट नहीं देता हो, चाहे वो अल्पसंख्यक से आता हो या बहुसंख्यक से आता हो, चाहे वो नीची जाति से आता हो चाहे ऊंची जाति से आता हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, राजा के लिए सब बराबर होने चाहिए और सबका साथ और सबका विकास उसे करना चाहिए। लेकिन यहाँ तुंगध्वज को अकल नहीं आई जो अकल मोदी जी को आई। तुंगध्वज को अकल नहीं आई है और वो क्या कर रहा है? अपमान से कर, उसको लगा कि तो मेरी इंसल्ट है, मैं ग्वालों का प्रसाद मैं खाऊंगा, मैं राजन मर गया। राजन, राजा तो जिस कारण से राजा था वो कारण समाप्त हो गया, राज्य समाप्त हो गया, पुत्र समाप्त हो गया, धन समाप्त हो गए। शिक्षा है क्षत्रिय के लिए कि यदि आप शासन कर रहे हैं तो आपके अधीनस्थ जितने लोग हैं पुत्र के समान उसका पालन करें, नहीं तो नाश हो जाएगा। सत्यनारायण कथा अपने आप में कोई छोटी मोटी कथा नहीं है।